students, welcome you all in your subject science. Okay? चलो तो water का chapter आपको ठीक से समझ में आ गया? I hope so that. Okay? तो अगर आपने उसकी जो टेक्स्ट बुक की जो चैप्टर के वीडियोस अगर आपने ठीक से नहीं देखे हैं तो एक बार ठीक से देख लीजिए. ओके? और जिसका हो गया है वो रेडी है ना. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? दिस इज़ योर जस्ट इवोल्यूशन. आप ये समझो कि ये आपका इवोल्यूशन है. ओके? और मेरे साथ आप भी अपने आंसर्स चेक करते जाओ. चलो, आर यू रेडी? ओके, चलो. फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स. ओके, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. हमें रेन से वाटर मिलता है. इज दैट ट्रू? यस, बिकॉज रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. वी कैन यूज ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल. अगर हमें ग्राउंड वाटर चाहिए तो हमें वेल को डिग करना पड़ेगा. मतलब कुएं खोद के पानी निकालते हैं ना, ऐसे. तो ऐसे हमें ग्राउंड वाटर मिलता है. यस, ओके, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. वी शुड ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स. हमें लेक और रिवर से जो पानी है वो सीधा पीना चाहिए. इज दैट ट्रू? नो, बिकॉज इट कंटेन्स जर्म्स. सो फर्स्ट वी शुड बॉइल इट. पहले उसे गर्म करना चाहिए फिर पीना चाहिए. ओके, डर्टी वाटर डज नॉट कंटेन जर्म्स. गंदे पानी में जर्म्स नहीं होते हैं. ओह, ये तो बहुत ईजी है. नो, दैट इज रॉन्ग, राइट? डर्टी वाटर में तो जर्म्स होते हैं ना. वी शुड स्टोर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन ओपन कंटेनर्स. देखो, हमें साफ सुथरा पानी ओपन कंटेनर्स में रखना चाहिए. ये तो देखो दो बात हो गई. एक तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए, ये बराबर है, बट ओपन कंटेनर्स नो. फिर वो क्लीन कैसे रहेगा? ओके, तो दैट इज फॉल्स. ओके, नाउ अपन नेक्स्ट पेज. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड वाटर. चलो, इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आपको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी? बाथिंग, रीडिंग, वॉशिंग क्लोथ्स की बोथ ए एंड सी. चलो, तो आप बोलोगे बाथिंग में ज़रूरत होती है. यस. रीडिंग में? नो, उसमें तो बुक्स की ज़रूरत होती है. रीडिंग में पानी की ज़रूरत थोड़ी होती है. वॉशिंग क्लोथ्स? यस, बिना पानी के तो कपड़े कैसे धोएंगे भाई. तो द ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि बोथ ए एंड सी दोनों एक साथ करना है तो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच ऑफ दिस इज नॉट सोर्स ऑफ वाटर. चलो, इसमें से कौन सा वाटर का सोर्स नहीं है? लेक, रिवर, कैनाल, ओके, पार्क. चलो, तो कौन सा नहीं है? लेक में पानी होता है? यस. रिवर में? यस. कैनाल में? यस. पार्क में? नो. कोई कोई पार्क में पानी नहीं होते है, बराबर. देखो, वो तो जो हम ऐसे मतलब वाटर टैंक है और उसमें पानी है तो अलग बात है, बाकी तो पानी नहीं होते हैं, राइट? तो पार्क की वो वाटर सोर्स नहीं है. अगर आपको पानी चाहिए तो आप पार्क में जाओगे? नो. चलो, वाटर दैट स्वीप्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड. यस, ये तो हमने देखा था कीवर्ड्स में भी, राइट? जो ग्राउंड वाटर में पानी जाता है उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. तो यहाँ पे देखो, हमें कहाँ पे सर्कल करने हैं? एक तो देखो, शिट, या जस्ट अ मिनट. हाँ बच्चों,
ये है ना ऊपर चला जाता है. वेट अ मिनट, यहाँ पे ये आंसर राइट है, यहाँ पे दिस वन, और लास्ट में कहाँ पे ग्राउंड वाटर, ये जो बॉक्स है ना उसके नीचे है, तो आप वहाँ पे सर्कल कर लेना. ओके चलो हियर. चलो विच ऑफ दिस डू वी यूज टू स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बकेट, टैंक, ड्रम, की ऑल ऑफ दिस. यस ऑल ऑफ दिस. The stored water can be used to, चलो store water जो हम करते हैं उसे किस काम में use कर सकते हैं, water plants, clean floors, bath, की all of this. आपके घर में water tank हो, सबके घर पे होगा right? क्योंकि हम लोग तो उसमें water store करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे municipality का पानी रोज नहीं आता है. Am I right? यस तो हम लोग स्टोर करते हैं, यस प्लांट्स को पानी देने के लिए, फ्लोर क्लीन करने के लिए और बाथ के लिए. सो ऑल ऑफ दिस डी इज द करेक्ट आंसर. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस, चलो गंदा पानी पीने से क्या होता है, इल बीमार होते हैं, हेल्दी हेल्दी रहते हैं, टॉल ऊंचे होते हैं, कि नन ऑफ दिस, कि इसमें से कोई नहीं. तो यस इल, ड्रिंकिंग वाटर कैन मेक अस इल, हमें बीमार कर देता है. हाउ कैन वन किल जर्म्स इन ड्रिंकिंग वाटर. ओके चलो ड्रिंकिंग वाटर में जो जर्म्स है उसे कैसे किल कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग इट, बाय फ्रीजिंग इट, बाय वेस्टिंग इट, कि बाय स्टोरिंग इट. चलो तो जर्म्स को किल करने के लिए उसे बॉयल करे, फ्रीज करे, वेस्ट करे, कि स्टोर करे. यस यू आर करेक्ट, बाय बॉइलिंग इट. पता लग गया ना कि बॉयल करने से वो जर्म्स फ्री हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज. गिव टू एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर बराबर कौन सा है, दो नाम देने हैं हमें सोर्स ऑफ वाटर के, तो रिवर, पॉन्ड्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं. देखो रिवर, पॉन्ड्स, लेक, वेल, ओके, रेन जो मेन सोर्स है, आप कुछ भी दो लिख सकते हैं. थिंग्स टू स्टोर वाटर, चलो जिसमें वाटर स्टोर करे, तो अभी अभी हमने देखा एमसीक्यू में किस में स्टोर किया था. देखो यहाँ पे तीन आइटम थे ना, हियर बकेट, टैंक, ये है ना बकेट, टैंक, ड्रम, इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं आप. ओके चलो वे टू सेव वाटर, यस वाटर को सेव कैसे करें, तो सेव करने के लिए बुलाए, स्टोर नहीं. ओके तो कैसे स्टोर सेव करेंगे, पहले तो टाइट द टैप आफ्टर यूज, काम खत्म होने के बाद टैप को टाइट करो, एंड डोंट वॉश एनीथिंग इन रनिंग वाटर, जो पानी बहता है उसमें कुछ धोना नहीं है, एक बाउल में फिल करो और फिर उसमें वॉश करो. ओके तो ये था कि हम कैसे कोई चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स तो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं, थैंक यू.